हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th के साइंस की कॉम्पिटेंसी एनहेंसमेंट प्लान की वीकली प्रैक्टिस शीट नंबर 5, जो कि पंजाबी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए है। वीडियो स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरह का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है वो है, मीना रेड दैट द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बन कंपाउंड्स आर नॉट वेरी हाई। तो कार्बन कंपाउंड्स के जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो बहुत ज्यादा हाई नहीं होते। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स फॉर द एप्रोप्रिएट रीजन फॉर इट। तो इसके पीछे क्या कारण रहा है, तो वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल जो फर्स्ट ऑप्शन है, ठीक है, यानी कि अणुआ विच कार कमजोर खिंचवल, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, मोहन रेड दैट कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट डिपेंड्स अपॉन। तो जो एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है ये किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यानी कि संयोजन इलेक्ट्रॉन आदि संख्या। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, जितेंद्र आस्क्ड हिज टीचर हाउ कैन कार्बन अचीव नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कि कार्बन जो है वो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो किस तरीके से अचीव करता है, हालांकि इसके पास जो है वो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, तो ये अपने जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको शेयर कर देता है, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन साझा करके। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है, राजू आस्क दैट विच ऑफ द फॉलोइंग एलोट्रोप ऑफ कार्बन इज प्रेजेंट इन लीड पेंसिल। पेंसिल की लीड होती है ये, ठीक है, कार्बन का फॉर्म है ये। एज ऑन बीइंग कनेक्टेड टू द सर्किट इट मेक्स द बल्ब ग्लो। तो इसको जो है जब सर्किट में डाला जाएगा तो बल्ब जो है वो चल सकता है, तो ग्रेफाइट, ठीक है, तो पेंसिल की जो लीड होती है वो ग्रेफाइट की होती है। अगला क्वेश्चन है, शीला आस्क्ड दैट विच ऑफ द फॉलोइंग एलोट्रोप ऑफ कार्बन कैन बी सिंथेसाइज्ड ऑन सब्जेक्टिंग प्योर कार्बन टू वेरी हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर, ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, डायमंड, यानी कि हीरा। नेक्स्ट है मनप्रीत आस्क्ड ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन कार्बन इज टेट्रावेलेंट। तो कार्बन जो है वो टेट्रावेलेंट किस रीजन की वजह से है, क्योंकि ये 4 जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसको शेयर करता है, इट शेयर्स इट्स 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, जगतार आस्क्ड विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 एटम्स, ठीक है, तो किस तरीके का बॉन्ड बनेगा जब वो 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को 2 एटम्स के बीच में शेयर करेगा, तो आंसर है कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है, यानी कि सहसंयोजी बंधन। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसमें से कौन सा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, आंसर है एल्केन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिएक्शन इन विच वेजिटेबल ऑयल इज कन्वर्टेड इनटू वेजिटेबल घी। तो वेजिटेबल ऑयल जो है वो वेजिटेबल घी में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोसेस को क्या कहते हैं, हाइड्रोजिनेशन, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि ज्योति आस विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन गिव्स येल्लो फ्लेम विद ब्लैक स्मोक, ठीक है, तो येल्लो कलर का फ्लेम बनेगा जिसमें कि काला धुआं निकलेगा, तो ये मतलब कि किस तरीके के हाइड्रोकार्बन को बर्न करने पर, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है, तो मतलब कि यहाँ पर इसका आंसर हो गया असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है, जो कि फर्स्ट ऑप्शन है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है वो है, द फॉर्मूला फॉर अ मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया। अमोनिया का जो मॉलिक्यूल मतलब कि जो फॉर्मूला है वो क्या है, NH3। तो इसके एटम के बीच में किस तरीके का बॉन्ड होगा वो आपने बताना है, तो ये सिंगल बॉन्ड होगा, ठीक है, यानी कि एक हरा बंधन। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन लीड्स टू सूटी डिपोजिशन ऑन यूटेंसिल। तो बर्तनों के ऊपर जो है वो जो मतलब काली लग जाती है ना, जो ब्लैक हो जाता है बर्तन, ठीक है, वो किस रीजन की वजह से होगा, द फ्यूल इज नॉट बर्निंग कम्प्लीटली, जो फ्यूल है वो कम्प्लीटली नहीं जल रहा, ठीक है, सेकेंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन मेक्स डायमंड द हार्डेस्ट सब्सटेंस। तो डायमंड जो है वो हार्डेस्ट सब्सटेंस जो है वो किस रीजन की वजह से है, इट हैज अ रिजिड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, यानी कि इसकी रचना 3 दृढ़ आकारी है, ठीक है, जो कि पहला ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है कार्बन का एलोट्रोपिक फॉर्म है, आंसर है ग्रेफाइट, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज डीनेचर्ड अल्कोहल। तो अल्कोहल का डीनेचर्ड है ये एथेनॉल मिक्स्ड विद मेथनॉल, ठीक है, तो जब एथेनॉल को मेथनॉल के साथ मिक्स कर दिया जाता है तो ये डीनेचर्ड अल्कोहल है। तो बच्चों ये वीडियो हो जाती है हमारी यहीं पे खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर टेस्ट। बाय बाय।